हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने टेंस जो बेसिक पार्ट है ना वो देख रहे हैं हम, टेंस का जो सिंपल टेंस होते हैं तो वहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट डिस्कस किया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया है। तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये वाले टेंस क्यों है, क्योंकि ये देखो हर जगह पे यूज होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गई, हर जगह पे आपको जैसे टेंस सिंपल टेंस भी आते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक टेंस आने ही आने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप 2x की स्पीड में भी इनको देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे हम उनको पहले वाले टेंस देखे हैं ना हमने विद स्ट्रक्चर, वैसे ही देखेंगे। 5 टाइप के टेंस यहाँ पे बनते हैं, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बाद WH फैमिली। हर टेंस हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये भी ऐसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले जिस भी जो हमारा सेंटेंस होता है उसके एंड में, जिस वाक्य के अंत में, सेंटेंस के एंड में आपको ये चीजें मिले, चुका है, चुकी है, चुकी है, तो वहां पे हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये वाली इसकी पहचान आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा आता है सिंपल, जिसको आप पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिर वही बात है कि सिंगुलर प्लूरल का पता होना चाहिए। सिंगुलर क्या, जो सिंगल के लिए यूज होता है, और इट भी हमारा सिंगुलर के जैसे ही बिहेव करेगा। और उसके बाद जो प्लूरल क्या हो गए, जो एक से ज्यादा हो गए, और आई के साथ क्या लगेगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि यहाँ पे आती है हैज, हैव। उसके बाद परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हमेशा ही इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वही फिर कंडीशन आती है कि हैज किसके साथ होगा, हैव किसके साथ होगा। तो हैज किसके साथ होगा, यहाँ पे सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ होगा, प्लूरल। जैसे कि हमारा हो गया दे, दीज, दोज, और साथ में इस हैव आई के साथ भी क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आता है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस में, ये वाली चीज हमारी सेम रहेगी, बस नेगेटिव में क्या हो जाता है, नोट ऐड हो जाता है, नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और हैज हैव के लिए सेम कंडीशन चलेगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, तो हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कंप्लीट में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वही चलती है। उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, पहले हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाले इसके नियम रहेंगे। अब हम देखेंगे इनके साथ सेंटेंस का एक एग्जांपल। 2 सेंटेंस हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, वहां पे हर का एग्जांपल देखेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हम अपनी चॉइस से आप लिख सकते हो, जैसे शाम, खाना खा चुका है, शाम खाना खा चुका है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, शाम। उसके बाद हैज, हैव में से क्या लगेगा, शाम सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज। खाना क्या, ईट, और इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईट के लिए, ईटन। शाम हैज ईटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, नोट के लिए क्या आएगा, फिर से सब्जेक्ट, शाम हैज नोट ईटन, फूड लिख लो या द फूड लिख लो। उसके बाद यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हैज शाम ईटन फूड, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बचता है, हैज शाम नोट ईटन फूड। ये किसके लिए है कि श्याम खाना खा चुका है। ये किसके लिए है? श्याम खाना नहीं खा चुका है। ये किसके लिए है? क्या श्याम खाना खा चुका है। ये किसके लिए है? क्या श्याम खाना नहीं खा चुका है। तो ये हर चीज का आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल बनाया कैसे कि अगर श्याम खाना खा चुका है तो श्याम क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। और श्याम सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। और श्याम खाना नहीं खा चुका है तो श्याम, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट ईटन फूड, उसके बाद क्या श्याम खाना खा चुका है। क्या के लिए क्या आएगा आगे? हैज श्याम ईटन फूड। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हैज श्याम नॉट ईटन फूड। तो ये वाला एग्जांपल इसको आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद एक एग्जांपल हम इसका प्लूरल का देख लेते हैं और WH फैमिली के साथ। ये तो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बनेंगी इसकी, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे माइंड से ये चीजें स्किप हो जाती है, तो इसलिए ये वाली चीज भी हो चुकी है हमारे पास। और क्या वे दिल्ली जा चुके हैं, वे दिल्ली जा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास? वे, तो इट मीन्स दे। उसके बाद दे किसके लिए है? प्लूरल के लिए, तो हैज हैव में से यहाँ पे क्या लगेगा? हैव। और जाना की जो फॉर्म होती है गो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो वेंट गोन, तो दे हैव गोन। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दिल्ली, दे हैव गॉन टू दिल्ली। उसके बाद वे दिल्ली नहीं जा चुके हैं तो दे सब्जेक्ट हमारे पास, उसके बाद हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या वे दिल्ली जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू दिल्ली। उसके बाद क्या वे दिल्ली नहीं जा चुके हैं? तो हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली। तो ऐसे आपने इन सेंटेंस को करना होता है। तो यहाँ पे हमारे दो एग्जांपल इसके डिस्कस किए हैं। होप आपको ये वाली चीजें समझ आई होंगी। ये वाली चीजें कब यूज होती हैं? जब हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना आता है कि आप चेंज करके बताओ, तो हमें वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि ये टेंस इस वाले टेंस में यूज होगा। लेकिन अगर हमें वहाँ पे बेसिक नियम नहीं पता तो फिर हम नहीं बता सकते कि कौन सा टेंस है वो कौन से टेंस में यूज होएगा, चेंज होएगा। अब लास्ट आता है WH फैमिली। वहां पे क्या होता है? वे, हर, वहन हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये वाली चीजें वहां पे आती है। तो वहां पे जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहेगा? सबसे पहले आती है WH फैमिली, उसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब वहां पे लगाते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके पास आता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वाले टेंस के लिए है ये V3, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। कि WH फैमिली आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के हम लिए हमने वे कहाँ पढ़ा चुके हैं, या ये बोले हम क्या कि वे कहाँ पढ़ चुके हैं। दोनों के लिए बना के देख लेते हैं, इससे आपका डाउट सा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे? वे कहाँ पढ़ा चुके हैं, तो पहले कहाँ मीन्स WH कौन सी फैमिली यूज हुई? वे, हर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे के क्या लिया? वे के लिए क्या आएगी? हैव। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, वे हर हैव, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दे। और पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है? टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टोट, वे हर दे टोट। अब सेकंड क्या है? वे कहाँ पढ़ चुके हैं, तो वे हर हैव दे, पढ़ना मीन स्टडी लगा लो, या तो क्या आ जाएगा? स्टडी, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टडीज। तो यहाँ पे आप इसको ये लगा सकते हो कि वे कहाँ पढ़ चुके हैं। तो ये वाली चीजें हैं WH फैमिली, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।